कुलदीप बिश्नोई कार्तिकेय शर्मा से मिलने के बाद, जब कार्तिकेय शर्मा कुलदीप बिश्नोई के निवास स्थान दिल्ली पर मिलने आए थे, तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि वे जल्द ही 2 या 3 दिन में घोषणा कर देंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अब भी राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी उनको बातचीत के लिए बुला सके। लेकिन राहुल गांधी ईडी के कारण बिजी है। राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई की ओर इशारा हो या बुलावा हो वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई में कांग्रेस प्रेम अब भी जाग रहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने उदयपान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद खुलकर कांग्रेस का विरोध करने वाले कुलदीप बिश्नोई ने अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयपान पर साधा निशाना। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति के हाथों में प्रदेश की बागडोर सौंपी है, वह शख्स प्रदेश की जनता में कोई पकड़ नहीं रखते। वे कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं है, उनकी विधानसभा जनता तक उन्हें पसंद नहीं करती। कांग्रेस आला कमान के इस गलत फैसले के कारण राहुल गांधी से मिलना चाहता था। पार्टी का हर कार्यकर्ता बुरी तरह से मायूस है। मैं उनकी आवाज बनना चाहता था, लेकिन 1 महीने तक मुझे राहुल गांधी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वे अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मौका ही नहीं मिला। कुलदीप ने कहा कि वे लगातार अपने कार्यकर्ताओं से अगले फैसले को लेकर बैठकें कर रहे हैं। बिश्नोई ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं के आदेश के हिसाब से ही अपनी अगली पारी खेलेंगे। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।